नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमएस एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। ये दोनों बिहेवियर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है और समझाना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करता है और बदलता रहता है कल्चर के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन, और समय के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जैसे कि एक बच्चा अगर रूड है, सेल्फिश है, तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर वही क्वालिटीज बड़ों में प्रेजेंट रहेगा तो उसे एबनॉर्मल कहा जाता है। दो मेल पर्सन्स अगर हाथ पकड़ के चले तो ये कुछ सोसाइटीज़ में नॉर्मल कहा गया है, लेकिन कुछ जगह इसे एबनॉर्मल सा देखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज लेने के लिए हम शुरू करते हैं नॉर्मल बिहेवियर से। वॉट इज़ नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइम्स, इन डिफरेंट सेटिंग्स। जैसे कि एक सोल्जर वॉर टाइम में शूट करे तो उन्हें मेडल मिल सकता है, लेकिन अगर वही शूटिंग वो पीस टाइम में करे तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो ये समय और सिचुएशन का बदलाव है कि वही चीज़ नॉर्मल लगती है कभी और वही अबनॉर्मल लगता है। अगर हमारी नौकरी चली गई है या हमारा कोई अपना चला गया है तो हमें बहुत दुख होता है या फिर डिप्रेशन के हो जाता है। तो ये सामान्य है, मतलब कि नॉर्मल है, और अगर ये इमोशंस नहीं आते हैं तब इसे एबनॉर्मल कहा जाता है। तो ये था नॉर्मैलिटी के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो कि हमको और स्पेसिफाई करेगा, क्लैरिटी देगा कि नॉर्मल पर्सन के क्या फीचर्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। इसका तात्पर्य ये है कि इंसान को ये ज्ञान है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उनकी क्या एबिलिटीज़ है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उनके आसपास जो घटना हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है और उनमें उनको कैसा रिएक्शंस देना है, वो पूरा ज्ञान उनको होता है, वो समझ उनको है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ नॉलेज। इसमें हमें ज्ञान रहता है, समझ रहती है कि क्यों हमको कोई चीज़ करनी है और उसके पीछे क्या कारण है और कि क्या इमोशंस आने चाहिए या आ रहे हैं। हो सकता है कभी कभी हम नहीं समझ पाते हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक मेंटली इल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज़्यादा बेटर होती है। तो ये था आपका सेल्फ नॉलेज, जिसमें हमें अपने बिहेवियर का, फीलिंग्स के पीछे का कारण पता होता है। थर्ड इज एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और स्थिति को संभाल सकता है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर। फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि हमें अपनी वैल्यू है और हमने हर पहले जो भी एबिलिटीज़ है या अचीवमेंट्स है उससे हम संतुष्ट है, खुश है, और हम खुद को बाकी लोग के बीच में एक्सेप्टेड फील करते हैं। हो सकता है हमारी कुछ आकांक्षाएं है, विशेस है कि हमारे पास और थोड़ा सा नॉलेज होता, इंटेलिजेंट होते या ब्यूटीफुल होते, लेकिन जैसा भी है हम अभी उसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और खुश है, और इसका मतलब यही है सेल्फ एस्टीम। वहीं मेंटली इल पर्सन खुद को वर्थलेस महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, एबल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप्स। नॉर्मल पीपल में ये क्षमता होती है कि वो एक क्लोज रिलेशनशिप या सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बना सकते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। साथ ही साथ वो लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके विश्वास को समझते हैं और उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं मेंटली इल पर्सन्स सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सेंटर में रखते हैं और दूसरों की फीलिंग्स से उनसे कोई समझ में नहीं आता, और इस तरह से वो दूसरों से, किसी से भी क्लोज रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं बना पाते हैं। लास्ट हमारा टर्म है प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली पीपल अपनी जो एनर्जी है उसे रोज के कार्य में और सोशल लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सके। वहीं मेंटली इल पर्सन खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और उन्हें रोज का दिन भारी लगता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल बिहेवियर
जिसमें पहला था एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, सेकंड सेल्फ नॉलेज, थर्ड एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर, फोर्थ सेल्फ एस्टीम और लास्ट में एबल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे अबनॉर्मल बिहेवियर। इसे भी एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल है जितना कि नॉर्मल बिहेवियर को। कुछ क्राइटेरियाज है जिससे हम इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई या क्लैरिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। हर सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कल्चर होते हैं, जैसे कि किस तरह से पहनावा होना चाहिए, बात कैसे करना चाहिए, किस तरह का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं या फिर रूल्स होते हैं। अगर उपवास का समय है और कोई खाना खा रहा है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। कहीं कहीं सीनियर और जूनियर्स के बीच में आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं माना जाता। अगर स्टूडेंट टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है तो स्टूडेंट को रूड या फिर एरोगेंट कहा जाता है। वहीं अगर वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है कोई पर्सन, तो कहा जाता है कि उसने सही में कोई गलती की है, इसलिए वो आँख से आँख नहीं मिला रहा है। इस पॉइंट का अर्थ यही है कि अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसके रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो उसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाएगा। तो दिस वॉज फर्स्ट डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। सेकेंड पॉइंट इज माल अडेप्टिव बिहेवियर। अगर आपके बिहेवियर से आपको या फिर सोसाइटी को नुकसान हो रहा है तो उसे मैल अडेप्टिव बिहेवियर कहा जाएगा और वो एबनॉर्मल कहा जाएगा। जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है और उसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वॉयलेंट है और उसकी वजह से वो सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहा है, तो ये होता है मैल अडेप्टिव बिहेवियर, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट पर्सनल डिस्ट्रेस। इसमें हम बिहेवियर से ज़्यादा फीलिंग्स पर ध्यान देंगे कि इंसान का इनर फीलिंग कैसा है। अगर कोई इंसान दुखी है, डिप्रेस्ड है, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है और वो अपनी इन सारी फीलिंग्स को दूसरे से छुपा रहा है, तो उसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। इसे हम बहुत जल्दी तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते अगर, बट लगातार हम ध्यान देंगे तो इसका पता चलता है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट पर्सनल डिस्ट्रेस। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसके तीन पॉइंट्स थे। पहला था डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, सेकेंड मैलअडैप्टिव बिहेवियर एंड थर्ड लास्ट पर्सनल डिस्ट्रेस। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम कुछ मॉडल्स के बारे में बताएंगे, जिसे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को थोड़ा सा और समझ सकेंगे। तो कुछ मॉडल्स है, पहला है मेडिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, सोशियो कल्चरल मॉडल और चौथा बिहेवियरल मॉडल। तो पहला देखते हैं मेडिकल मॉडल। इस मॉडल के अनुसार मेंटल डिसऑर्डर का कारण है ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। अबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे कारण होता है अगर आपको डिस्टर्बेंस है थॉट, परसेप्शन या फिर साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में। वही नॉर्मल बिहेवियर के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होते। तो ये था मेडिकल मॉडल, जिसके अनुसार आप में अगर कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है तभी एबनॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट करता है। सेकेंड है स्टैटिस्टिकल मॉडल। इसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस है, टेस्ट लिया जाता है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है इंसानों पर, जिसके रिस्पॉन्सेज पे डिसाइड किया जाता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। थर्ड इज सोशियो कल्चरल मॉडल। हर सोसाइटी के कुछ बिलीव्स, नॉर्म्स या वैल्यूज़ होते हैं जिसे हमें एक्सेप्ट करना है और अडॉप्ट करना है, लेकिन अगर हम उसे ब्रेक करेंगे तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा और हम उसके अनुसार चलेंगे तो उसे नॉर्मल बिहेवियर कहा जाएगा। तो ये था आपका सोशियो कल्चरल मॉडल। फोर्थ इज़ बिहेवियरल मॉडल। जैसा कि हमने पहले देखा, अगर आपका बिहेवियर जो है वो अडेप्टिव है तो वो नॉर्मल है, अगर वो मैल अडेप्टिव है, कुछ गलत रिएक्शंस हैं, तो उसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। तो ये थे आपके चार मॉडल, मेडिकल, स्टैटिस्टिकल, सोशियो कल्चरल और आखिर में बिहेवियरल मॉडल। उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर बार मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे नए वीडियोस के। कुछ आपको क्वेरीज है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।